नमस्कार। भारत और पाकिस्तान के बीच जो हो रहा है वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि एक दफ़े जब जंग शुरू होती है तो वो अपना रास्ता खुद तलाश करती है। हमारे जनरल जो हैं वो अपने ढंग से जंग की, युद्ध की प्लानिंग करेंगे। पाकिस्तान के जनरल जो हैं वो अपने ढंग से युद्ध की प्लानिंग, जंग की प्लानिंग करेंगे। उनके हिसाब से जंग इस दिशा में जानी चाहिए, उनकी प्लानिंग वैसी होगी। हमारे हिसाब से जंग इस दिशा में जानी चाहिए, लेकिन जब जंग शुरू होती है तो ना वो हमारी तरफ से जो हमने तय की होती है दिशा उधर जाती है, ना वो उनकी तरफ से तय की गई दिशा की तरफ जाती है। जंग हमेशा अपना रास्ता लेती है। हमारे मिराज 2000 उन्होंने पाकिस्तानी एयर स्पेस में जाकर बम गिराए और वापस आए। उसके जवाब में आज सुबह 3 पाकिस्तानी जहाज़ हमारी टेरिटरी में आए, हमारे क्षेत्र में आए, और ये कन्फर्म्ड है कि हमारा एक Mi-17 चॉपर, Mi-17 हेलीकॉप्टर है, ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर होता है, रूस का बना हुआ है, बड़गाम के इलाके में वो नीचे गिर गया, उस पर हमला हुआ। हमारा कहना है कि तकनीकी खराबी थी, गांव वालों का कहना है कि वो 2 टुकड़ों में टूट के नीचे गिरा। बहरहाल उसकी तफ्तीश जारी है। हमारी मिनिस्ट्री ने, एक तो पता नहीं क्यों हमारे महापुरुष कहाँ सारे चले गए, 56 इंच का सीना, कहीं कुछ दिख नहीं रहा, आवाज़ नहीं निकल रही, ना अरुण जेटली सामने बोल रहे हैं, ना डिफेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन वो बोल रही हैं, ना डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ब्रीफिंग हुई है, ना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से कोई ब्रीफिंग हुई है। हुई है तो सिविलियन साइड से, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर से एक ब्रीफिंग भी नहीं थी, एक छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ दी थी फॉरेन सेक्रेटरी ने, और आज एक और ब्रीफिंग भी नहीं, मतलब एक छोटी सी स्टेटमेंट पढ़ी है, एक जूनियर अफसर हैं कोई एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के, उन्होंने पढ़ी है। आज फॉरेन सेक्रेटरी भी नहीं थे, साथ में उनके एक एयर वाइस मार्शल बैठे थे, क्यों बैठे थे मालूम नहीं, वो एक शब्द भी नहीं बोले, और कुल मिलाकर मुश्किल से 2-3 मिनट में ये सब खत्म हो गया। इंडिया हैड इन्फॉर्म्ड अबाउट काउंटर टेररिज्म एक्शन इट टुक यस्टरडे अगेंस्ट अ टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप ऑफ जैश ए मोहम्मद इन पाकिस्तान बेस्ड ऑन क्रेडिबल एविडेंस दैट जैश ए मोहम्मद इंटेंडेड टू लॉन्च मोर अटैक्स अगेंस्ट दिस काउंटर टेररिज्म एक्शन पाकिस्तान हैज रेस्पॉन्डेड दिस मॉर्निंग बाई यूजिंग इट्स एयरफोर्स टू टारगेट मिलिट्री इंस्टॉलेशंस ऑन द इंडियन साइड ड्यू टू आवर हाई स्टेट ऑफ रेडीनेस एंड अलर्टनेस Pakistan's attempts were foiled successfully. The Pakistan Air Force was detected and the Indian Air Force responded instantly. In that aerial engagement, one Pakistan Air Force fighter aircraft was shot down by a MiG-21 Bison of the Indian Air Force. The Pakistani aircraft was seen by ground forces falling from the sky on the Pakistan side. In this engagement, we have unfortunately lost one MiG-21. The pilot is missing in action. Pakistan has claimed that he is in their custody. We are ascertaining the facts. Thank you very much. कुछ सवाल उठ रहे हैं, बहुत जरूरी सवाल उठ रहे हैं। हम सबसे बड़ी उभरती हुई छठी अर्थव्यवस्था हैं, तो क्या हमें युद्ध की तरफ, जंग की तरफ झोंका जा रहा है? क्या हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं? 48 घंटे के भीतर भीतर मूड बदल गया है। कल तक पटाखे फोड़े जा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, जगह जगह पर, शहरों में, और प्रधान सेवक श्रेय ले रहे थे, सेहरा बांध रहे थे इसका, चूरू की रैली में। आज सब खामोश है, अभी तक किसी की आवाज़ नहीं आ रही है। हमारे सवाल हैं, पहला सवाल ये है कि डिफेंस मिनिस्ट्री या डिफेंस मिनिस्ट्री के किसी प्रवक्ता की तरफ से प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई है? उसके अलावा जो स्ट्राइक हमने करी, जो हमारे जहाज़ गए अंदर, 12 जहाज़ गए हमारे मिराज, कोई फुटेज क्यों नहीं है, कोई फ़ोटो क्यों नहीं दिखाई गई नुकसान की, कैंप्स के तबाह होने की? हर जहाज़ में कैमराज होते हैं, सैटेलाइट इमेजरीज होती हैं, अभी तक तो कोई फ़ोटो नहीं दिखाई गई है, सामने नहीं लाई गई है। पाकिस्तान वाले प्रोपेगेंडा पिक्चर्स अपने दिखा रहे हैं, उन्होंने तो 2016 में जोधपुर में क्रैश हुआ था MiG-21 का, उसकी तस्वीरें अब की बताकर दिखानी शुरू कर दी हैं। हम ये नहीं कह रहे हमें प्रोपेगेंडा चाहिए, हमें हकीकत चाहिए, और ये हमारा हक बनता है कि हम जवाब मांगे कि अभी तक
हमें बताया क्यों नहीं गया, दिखाया क्यों नहीं गया कि आपने कौन से कैंप पे हमला किया था, और ये 300 की फिगर कहाँ से आई कि 300 लोग मारे गए थे? ये तो हो नहीं सकता कि हमारे जहाज़ उतरे हों, फिर बॉडीज़ गिनी हों वहाँ पर, डेड बॉडीज़, और फिर वापस आ गए हों। ये तभी संभव हो सकता है जब कोई लोकल इंटेलिजेंस भी हो हमारी, उसने भी कुछ फ़ोटोएँ खींची हों, जैसे अफ़गानिस्तान में, इराक में अमेरिकन फोर्सेस करती हैं, कि ऊपर से जब ड्रोन ज़ीरो इन करता है और बॉम्ब फेंकता है ड्रोन, तो जो लोकल इंटेलिजेंस नीचे होती है वो वीडियो शूट करती है उसका, तो एक कोरैबोरेटिव एविडेंस हो जाती है। अभी तक ना हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कोई ब्रीफिंग हुई है, ना हमारी एयरफोर्स की तरफ से ब्रीफिंग हुई है, हुई है तो सिविलियन साइड से हुई है। क्या दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था जो सबसे तेज़ी से बढ़ रही है उसको जंग में झोंका जा रहा है, या जंग में वो निगली जा रही है अपने आप ही? ये क्या मिसएडवेंचर किया था कि वो रिटेलिएट नहीं करेंगे, वो बदला नहीं लेंगे पाकिस्तानी? अगर लेंगे और अब लिया है, तो जैसे सुषमा स्वराज चीन में कह रही हैं कि इसके बाद हम नहीं चाहते कि मामला बढ़े। अब सिर्फ ज़रूरी नहीं है मैडम कि आपके कहने से या आपके चाहने से बातें बने, अभी भी दोनों सरकारों के, दोनों ममालिक, दोनों मुल्क जो हैं, दोनों सरकारों के हाथ में है बात। एक दफ़े हाथ से निकल गई, फुल फ्लेज्ड जंग शुरू हो गई, तो सरकारों के बस की बात नहीं होती, ना जनरल्स के बस की बात होती है। हम कुछ और भी आपसे बताना चाहते हैं। इंडियन एयरफोर्स के जो प्लेन हैं उसमें 2 पायलट और 1 सिविलियन की मौत हुई है, ये रॉयटर्स की रिपोर्ट है पुलिस के हवाले से। 3 पाकिस्तानी कॉम्बैट जेट्स आज एंटर किए, और कश्मीर जो हमारे तरफ का कश्मीर है इस तरफ, ये भी भारतीय हमारे जो अफसरान हैं उनका कहना है, लेकिन रिपोर्ट रॉयटर्स की है। इंडियन एयरफोर्स जो जेट्स हैं हमारे, उन्होंने पाकिस्तानी जहाज़ों को रोकने की कोशिश की, पाकिस्तानी जहाज़ वापस चले गए, और ये भी रॉयटर्स की खबर है हमारे अफसरों के हवाले से। द एयरक्राफ्ट दैट क्रैश्ड इन जम्मू एंड कश्मीर बडगाम वॉज IF Mi-17 ट्रांसपोर्ट चॉपर। मैंने आपको बताया MI-17 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर था, ये बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर होता है, वो गिर गया था। और उसके अलावा हमने उत्तर भारत के बहुत सारे हवाई अड्डे बंद कर दिए सिविलियन ट्रैफिक के लिए। शुरू में 4 बंद किए थे, उसके बाद अमृतसर भी बंद हुआ, पठानकोट भी बंद हुआ, पठानकोट तो वैसे भी मिलिट्री है, श्रीनगर बंद हुआ, ये सारे, देहरादून बंद हुआ, और चंडीगढ़ तक की बात आ गई, ये सारे बंद किए गए। उधर उन्होंने लाहौर, मुल्तान, अपने भी उन्होंने 4-5 हवाई अड्डे बंद किए। जंग ऐसे ही एस्केलेट होती है, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ती है। क्या हमने पूरी की पूरी एक जंग करने के लिए 12 जहाज़ भेजे थे? पुलवामा का बदला लेना था, इलेक्शन का टाइम नज़दीक है, 12 जहाज़ भेज दिए हमने, उन्होंने वापसी जवाबी कार्रवाई की, कोई गारंटी नहीं है कि हम नहीं करेंगे, और फिर कोई गारंटी नहीं है कि वो नहीं करेंगे। मतलब ये स्टेट्समैनशिप ये होती है क्या, हम ये पूछना चाह रहे हैं। आगे है पाकिस्तान एयरफोर्स का F-16 जहाज़, वो हमारे इलाके में घुस आया था, तो हमारे मुताबिक, ये ANI का कहना है, हमारे मुताबिक हमने उसको मार के गिरा दिया, लेकिन वो गिरा उनकी टेरिटरी में, पाकिस्तान में जाकर गिरा, तो लिहाजा हमारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। SSP जो हैं पुलिस के बडगाम, उनका ये कहना है कि कोई चीज़ गिरी है आसमान से, कोई एयरक्राफ्ट गिरा है, और वो कन्फर्म हो गया कि वो हेलीकॉप्टर ही था। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्ट्री ने कन्फर्म किया कि एयर स्ट्राइक्स अक्रॉस कश्मीर लाइन ऑफ कंट्रोल, उन्होंने भी कन्फर्म किया कि हाँ एयर स्ट्राइक्स हुई हैं। दूसरी तरफ हमारे जो अफसर है, एक जूनियर अफसर थे विदेश मंत्रालय के, उन्होंने इस बात को माना है कि हमने एक जहाज़ खोया है, हमारा एक पायलट मिसिंग इन एक्शन है। जो पायलट मिसिंग इन एक्शन है उसका नाम है विंग कमांडर अभिनंदन, उसके वीडियो को पाकिस्तान वाले अपने टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जब करगिल हुआ था, तो पहले पहले शुरू शुरू में नचिकेता हमारे विंग कमांडर थे, वो उस तरफ जाकर उतरे थे, इजेक्ट किए थे, उनको परेड किया गया था पाकिस्तान टेलीविज़न पर, परवेज़ मुशर्रफ ने परेड किया था। क्या ये सब फैक्टर इन किया गया था हमारे लोगों ने जब अपनी ये कार्रवाई करी जहाज़ भेजने की? हम आपको बताना चाहते हैं कि जंग की कीमत, युद्ध की कीमत कितनी होती है। जितने भी लोग गाड़ियाँ ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर पान की पीक थूकते हैं, 3 किलोमीटर सीधा नहीं चल पाते हैं,
भागना तो दूर की बात है, जिनके अपने बच्चे कभी फ़ौज में नहीं गए, जितने भी नेता हैं हमारे उन किसी का भी बच्चा फ़ौज में नहीं गया, ना वो खुद फ़ौज में गए हैं, सिवाय राज्यवर्धन राठौर के और कैप्टन अमरिंदर सिंह के और केपी सिंह देव टेरिटोरियल आर्मी, उससे पहले राजेश पायलट थे वो इंडियन एयरफोर्स में थे। कौन नेता या कौन व्यापारी अपने बच्चों को फ़ौज में भेजता है लड़ने के लिए? लेकिन सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ कर बोलने वालों में ये हैं, ट्रोलिंग करने वालों में ये हैं, देशभक्ति पर सवाल उठाने वाले ये लोग हैं, आज सब चुप हैं, अपने अपने गटर में हैं। बहरहाल मैं आपको बताता हूँ जंग की कीमत क्या होती है। सन 48 में जंग नहीं थी, कबायली आए थे पाकिस्तान से कश्मीर पर हमला करने के लिए, जब कश्मीर भारत का हिस्सा बना। उस वक़्त 1500 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 3500 जख्मी हुए थे, जबकि पाकिस्तान की तरफ से ये हमारा कहना है 6000 सैनिक मारे गए थे और 14000 जख्मी हुए थे। मतलब अगर 1500 सैनिक भी मारे जाएं तो 1500 परिवारों पर असर पड़ता है सारी उम्र के लिए, ठीक है, चाहे इधर हो चाहे उधर हो। फिर सन 65 की जंग में इंडिपेंडेंस, हमारे क्लेम कुछ और है, पाकिस्तान के क्लेम कुछ और है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज कहते हैं कि 3000 भारतीय सैनिक मारे गए थे और 3800 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे, यानी 6000 परिवार बर्बाद हुए, तबाह हुए सारी उम्र के लिए दोनों तरफ, 3000 परिवार हमारी तरफ हुए। उसके अलावा आप आइए सन 71 की जंग जो हुई थी पाकिस्तान के साथ, उसमें 2500 से लेकर 3843 जवान हमारे मारे गए थे और पाकिस्तान के 9000 मारे गए थे। हमारे 2500 तो मारे गए थे, 3843 या तो मारे गए थे या जख्मी हुए थे, पाकिस्तान के 9000 जवान मारे गए थे, 25000 जख्मी हुए थे और 97368 उनको हमने युद्ध बंदी बनाया था, जिन्होंने आत्मसमर्पण किया था हथियार समेत बांग्लादेश में, जब बांग्लादेश तभी बना था सन 71 की जंग। पूरी दुनिया में इससे बड़ी मिसाल नहीं है कि इतनी बड़ी तादाद में युद्धबंदी प्रिजनर्स ऑफ वॉर लिए गए हों और उनको तमीज़ से ढंग से जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक रखा गया हो। और ये जो भी आपने विंग कमांडर अभिनंदन का देखा, अगर ये सही है तो इन्हें जिनीवा कन्वेंशन के मुताबिक नहीं रखा जा रहा, इनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है, साफ जाहिर है कि चोटें भी इनको लगी हैं। बहरहाल तो ये सन 71 की फिगर्स थी। इसके बाद आप आइए करगिल में, करगिल में जो सरकारी तौर पर हमारी तरफ से बताया गया कि हमारे 527 जवान मरे और पाकिस्तानियों की तरफ से 357 से 453 मरे, लेकिन जनवरी 2013 के एक इंटरव्यू में, पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू दिया था, जनरल मुशर्रफ ने यह कहा कि भारत ने 1600 सैनिक खोए करगिल में और हमारे एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान ने 773 से 1200 सैनिक खोए करगिल में, लेकिन हो सकता है पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा जवान मरे हों, ज़्यादा सिपाही फ़ौजी मरे हों, क्योंकि सन 2003 में हिंदू ने रिपोर्ट किया था, हिंदू हमारा जो अखबार है उसने रिपोर्ट किया था कि नवाज शरीफ ने क्लेम किया था, दावा किया था कि करीब 4000 पाकिस्तानी सिपाही और अफसर मारे गए थे करगिल में। अब सवाल ये उठता है कि हकीकत हमें क्यों नहीं बताई जा रही? हम देखना चाहते हैं वो फ़ोटोएँ जो हमारे ऑपरेशन की हुई थी, जहाँ पर बालाकोट में टेररिस्ट के कैंप को तबाह किया गया था। हम जानना चाहते हैं कि ये सोर्स कौन है जो कह रहा है कि 300 लोग मारे गए, 300 ही क्यों, 310 क्यों नहीं, या 290 क्यों नहीं, या 301 क्यों नहीं? डेफिनेट फिगर 300 की है, जैसे गिनी गई हों लाशें। ये किसने गिनी, हमारी लोकल इंटेलिजेंस है क्या? और चौथी बात, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था जो उभर रही है, छठे नंबर की अर्थव्यवस्था, उसको क्या युद्ध की तरफ झोंका जा रहा है? क्या ये बात यहीं रुक जाएगी? क्या चुनाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्या चुनावों में इसका इस्तेमाल होगा? कल मैंने एक उदाहरण दिया था सीधा साधा कि मसाई मारा की सफारी में मैंने देखा था कि दो चीतों ने एक हिरन का शिकार किया और वो खा रहे थे और पीछे गिद्ध आकर बैठ रहे थे, इंतज़ार कर रहे थे कि कब चीते अपना मारा हुआ शिकार खाएं और कब हम इनका मारा हुआ बचा खुचा मांस जो है वो खाएं। शिकार तो हमने कर दिया, उनके एयर स्पेस में चले गए, बाकी जो हम कह रहे हैं हमें दिखाना चाहिए, जो कैंप तबाह किए उसकी फ़ोटो होनी चाहिए, कुछ ना कुछ सबूत होना चाहिए, 300 की फिगर कहाँ से आई ये हमें बताया जाना चाहिए। बहरहाल हमारे एयरफोर्स के जो लोग हैं
वो तो अंदर चले गए, आज भी उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की, एक उनकी पकड़ में है, उनकी गिरफ्त में है, जिसे हमने मिसिंग इन एक्शन कहा है, और वो उसको अपने टेलीविज़न पर दिखा रहे हैं। तो हमारे जो फ़ौजी हैं वो तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहे हैं, शिकार वो कर रहे हैं। गीदड़, मैं गीदड़ कह गया पिछले कल भी, आज फिर गिद्ध, गिद्ध जो हैं क्या इसका इस्तेमाल करेंगे, इस वक्त इस्तेमाल करने की हालत में हैं, आने वाले चुनाव को जहन में रखते हुए। हमें इन सवालों के जवाब चाहिए, और ख़ासकर मैं एक बार फिर ये सवाल दोहरा देता हूँ जिनके हमें जवाब चाहिए। पहला, डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से अभी तक कोई प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई? इंडियन एयरफोर्स की तरफ से अभी तक कोई प्रेस ब्रीफिंग क्यों नहीं हुई? दूसरा, कोई तस्वीरें, फोटो, वीडियो अभी तक हमारी तरफ से रिलीज़ क्यों नहीं हुए? तीसरा, 300 की जो फिगर है कि 300 लोग वहाँ मारे गए, ये कहाँ से आई? हमें इन तीन सवालों के जवाब चाहिए। ये विश्वसनीयता का सवाल है सरकार की, हमारी फ़ौजों की नहीं। हमारी फ़ौजों को हमारा सलाम है, हमेशा रहेगा। उन्होंने जब भी, जब जब भी तिरंगे ने पुकारा है, उन्होंने अपनी ड्यूटी पूरी की है। कम से कम इतना तो उम्मीद कर सकते हैं उन तमाम लोगों से जो अपने बच्चों को फ़ौज में नहीं भेजते, हमारे नेता, हमारी सरकार के और लोग, और वो सिविल सोसाइटी के, समाज के वो तमाम लोग जो वैसे गाली बकते रहते हैं, ट्रोलिंग करते रहते हैं, जो कभी फ़ौज के नज़दीक भी नहीं गए। कम से कम हम ये उम्मीद करेंगे कि चुप रहेंगे और गिद्ध की तरह बर्ताव नहीं करेंगे कि किसी और का मारा हुआ शिकार बचा हुआ उसका इस्तेमाल करें चुनाव के प्रचार में। और हम एक ये भी चाहेंगे, प्रधानमंत्री अपनी सब चुनावी रैलियाँ कैंसिल करें। इस वक्त जो स्थिति है, इमरजेंसी लगी नहीं है लेकिन बहुत गंभीर है, हालत गंभीर है, उनका दिल्ली में रहना ज़रूरी है। चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाएं, चाहे वो और कदम सोचें, वो रैलियां ना करते फिरें। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, और यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देखने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं।